एवरीवन, मैं ध्रुव पाठक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल होम लॉजिका में आपका स्वागत करता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग पार्ट वन, जिसमें हमने कवर किया था डेवलपर का बैकग्राउंड, और अब पार्ट टू में हम कवर करेंगे पार्ट डिस्ट्रिक्ट की लोकेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट टू ऑफ पार्ट डिस्ट्रिक्ट। इस समय हम पार्क डिस्ट्रिक्ट के सेल्स ऑफिस से निकलकर भूमकर चौक की तरफ जा रहे हैं। हम इस वीडियो में पार्क डिस्ट्रिक्ट से भूमकर चौक तक के रूट को कवर करते हुए दूसरी तरफ हिंजेवाड़ी ब्रिज से पार्क डिस्ट्रिक्ट वापस आएंगे और इस रूट के बीच में आने वाले मेजर लैंडमार्क्स को भी कवर करेंगे, जिसमें स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, ऑफिसेस और मॉल शामिल हैं। इस टी पॉइंट से अगर हम लेफ्ट लेंगे तो मारुंजी पहुंच जाएंगे और राइट लेकर हम लक्ष्मी चौक की तरफ बढ़ते हैं। ये सीधी रोड हमें लक्ष्मी चौक तक लेकर जाएगी। पार्क डिस्ट्रिक्ट से लक्ष्मी चौक तक की डिस्टेंस 1.4 किलोमीटर की है। इस चौक से सीधी रोड हिंजेवाड़ी फेज वन में शिवाजी चौक को कनेक्ट करेगी। सिग्नल से राइट जाने पर यह रोड हिंजेवाड़ी फेज टू की ओर जाती है। हम यहां से लेफ्ट लेकर भूमकर चौक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इस रोड पे दोनों ही तरफ आपको ढेर सारी शॉप्स और रेजिडेंशियल बिल्डिंग देखने को मिलेंगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे बढ़ते हुए पार्क डिस्ट्रिक्ट से 2.4 किलोमीटर पे यूरो स्कूल हमारे राइट हैंड साइड पर है। अब हम भूमकर चौक पहुंच चुके हैं। पार्क डिस्ट्रिक्ट से भूमकर चौक तक की डिस्टेंस 3.2 किलोमीटर है। सामने ऊपर से जा रही रोड को मुंबई बेंगलुरु हाईवे कहा जाता है, जिसमें राइट की तरफ बेंगलुरु और लेफ्ट की तरफ जाने से मुंबई पहुंचा जा सकता है। यहीं पास में पोद्दार इंटरनेशनल स्कूल है, जो कि पार्क डिस्ट्रिक्ट से 4.7 किलोमीटर की दूरी पर है। सामने दिख रहा कंस्ट्रक्शन फिनिक्स मॉल का रहने वाला है, जो कि मुंबई बेंगलुरु हाईवे से ही लगकर बनाया जा रहा है और पार्क डिस्ट्रिक्ट से 4.4 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। अब हम दूसरी तरफ से हिंजेवाड़ी ब्रिज से होते हुए पार्क डिस्ट्रिक्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। राजीव गांधी फ्लाईओवर से प्रॉपर्टी तक की डिस्टेंस 4.7 किलोमीटर की है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इस रोड पर जगह जगह काम चल रहा है और इसे RCC रोड में कन्वर्ट किया जा रहा है, जिसके वजह से ट्रैफिक बीच बीच में डाइवर्ट किया हुआ है। इस रूट में पड़ने वाले मेजर लैंडमार्क में से पहला जियोन मॉल में डीमार्ट और बिग बाजार जैसे बड़े रिटेल स्टोर्स मौजूद हैं। आगे बढ़ते हुए हम शिवाजी चौक पर पहुंच रहे हैं। इस चौक से राइट की तरफ आपको सतायु हॉस्पिटल मिल जाएगा। अब यहां से हम लेफ्ट इंफोसिस सर्किल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हिंजेवाड़ी कुल तीन फेज में बटा हुआ है, जिसमें से फेज वन और टू दोनों में ही इंफोसिस और विप्रो के ऑफिसेस मौजूद हैं। हमारे राइट हैंड साइड में इंफोसिस फेज वन का गेट दिखाई दे रहा है। इसी रोड पर आगे बढ़ते हुए हम सर्कल से राइट लेंगे। अब आप हमारे लेफ्ट हैंड साइड में विप्रो फेज वन का गेट देख सकते हैं। इस रोड पर प्रॉपर्टी के करीब एक और जाना माना हॉस्पिटल रूबी हॉल क्लिनिक आपको राइट हैंड साइड में मिल जाएगा। यहां से पार्क डिस्ट्रिक्ट की दूरी मात्र 1.7 किलोमीटर है। रूबी हॉल से निकलकर प्रॉपर्टी तक पहुंचने के लिए आगे से हमें लेफ्ट लेना होगा। यहां से स्ट्रेट जाने पर यह रोड आपको फेज टू से होते हुए फेज थ्री को कनेक्ट करती है। इसी सीधी रोड पे अगर हम फेज टू की तरफ 300-400 मीटर और जाते हैं तो आपको नया बनता हुआ ग्रैंड हाई स्ट्रीट मॉल मिल जाएगा। इस मॉल में ऑलरेडी कुछ ब्रांड्स के स्टोर्स फंक्शनल हो चुके हैं। अभी हम सिग्नल से राइट ले रहे हैं। हमारी लेफ्ट हैंड साइड में बनता हुआ कंस्ट्रक्शन एक और मॉल है, जो कि टर्मिनल वन के नाम से जाना जाएगा। इसके थोड़ा सा आगे की राइट हैंड साइड पर आपको विग्योर स्कूल देखने को मिलेगा,
जो कि प्रॉपर्टी से वॉकिंग डिस्टेंस पर है। इसके साथ ही हमारा पार्ट टू का सफर अब पूरा होता है। आशा करता हूँ आपको हमारे द्वारा बनाया गया वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जल्दी ही आपसे तीसरे वीडियो में मुलाकात होगी, जिसमें हम प्रोजेक्ट के अंदर डेवलप हो रही सोसाइटीज़ को इन डेप्थ कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।